Hello everyone, we will discuss about the linear bounded automata in this lecture. Linear bounded automata is more like the Turing machines with some restrictions. We can say that the Turing machine hamari hai, that is defined by the seven tuples, Q, the number of states, the input alphabet set, the tape alphabet, and the blanks in the tape, set of final states, initial state, and the transition function. So these are the seven tuples by which the Turing machine is defined. So the linear bounded automata होगा, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा कि हमारे पास set of states होंगे, input alphabet set होगा, tape alphabets होंगे, blanks इसमें नहीं होंगे, और इसकी जगह ये जो tape है वो bounded होगी. हम कह सकते हैं कि लेफ्ट बाउंडेड एंड राइट बाउंडेड, ये हमारे पास दो कैरेक्टर्स हो गए. टेप की लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री डिफाइन पहले से. इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स भी होगा, इनिशियल स्टेट भी होगा क्यू जीरो एंड ट्रांजिशन फंक्शन भी. तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन इज डिफाइंड बाई दीज एट टपल्स. जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे हैं, ब्लैंक्स की जगह यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बाउंड्रीज हमारी डिफाइन होंगी. तो लेट्स से ये मेरे पास एक लैंग्वेज है, एंड दैट लैंग्वेज इज ए पावर एन, बी पावर एन और सी पावर एन, एंड वी आर सेइंग दैट एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. अगर मुझे इसको इसके लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बनाना है तो जो प्रोसेस है उसमें हम हर ए के कोरस्पॉन्डिंग एक बी फाइंड करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक सी फाइंड करेंगे, और इनको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे रेस्पेक्टिवली, मतलब कि सारे कन्वर्जन ना हो जाए. लेट्स से हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है दैट इज ए ए ए बी 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 एंड सी सी एंड सी. ये तो टेप हो गया. इसके ये जो टेप है वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, ये फाइनाइट लेंथ का है, और इसमें मार्कर्स डिफाइंड है. लेट्स से इसका जो लेफ्ट मार्कर है वो ये डिफाइंड है, और इसका जो राइट मार्कर है वो ये डिफाइंड है, राइट? या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं. लेट्स से राइट मार्कर ये डिफाइंड है और जो लेफ्ट मार्कर है वो ये डिफाइंड है. जो हमारा करंट पॉइंटर है वो स्मॉल ए पे होगा. कन्वर्जन के कोरस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले स्मॉल ए को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो आइए हम लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा इसको फॉर्म करते करते इसको डिस्कस करते हैं. सो लेट्स से आई एम इन द क्यू जीरो स्टेट एंड आई रिसीव ए, आई विल कन्वर्ट दिस टू एक्स एंड आई विल मूव टूवर्ड्स द राइट. सो एक्स को हमने ए को हमने एक्स में कन्वर्ट करके राइट मूवमेंट किया. राइट में जितने भी एज होंगे उनको हम छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ जाएंगे और तलाश करेंगे बी की. जैसे ही मुझे बी मिलेगा मैं उसको वाई में कन्वर्ट करके राइट में चलूंगा. तो जब आप ए को छोड़ते छोड़ते आगे चले तो आपको जब बी मिला तो इस बी को आपने वाई में कन्वर्ट कर दिया और आप राइट की तरफ आगे बढ़े. रास्ते में जितने भी बीज आपको मिलेंगे आप इन बीज को स्किप करते करते आगे की तरफ जाएंगे. इसको बी ही रहने दीजिए टेप पे, और जैसे ही आपको सी मिलता है आप उसको जेड में कन्वर्ट कर दीजिएगा और लेफ्ट में चलिएगा, क्योंकि हमने ए के कोरस्पॉन्डिंग बी फाइंड कर लिया, बी के कोरस्पॉन्डिंग सी फाइंड कर लिया, और सी को जैसे ही हमने कन्वर्ट कर लिया है जेड में हम पीछे की तरफ चल रहे हैं. तो लेट्स से हम यू थ्री स्टेट में आ गए. तो जेड को जैसे ही आपने कन्वर्ट किया आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, और सी के लेफ्ट साइड में अभी करंट स्टेटस में आपको दिख रहा है कि बीज है. तो जितने भी बीज होंगे आप उनको वहीं पे छोड़ के पीछे आते रहेंगे. सो वी कैन से दैट व्हाटएवर बीज वी आर फाइंडिंग वी विल लीव देम एज सच एंड विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. फिर आपको वाई मिला, इस वाई को भी आप छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे. फिर आपको एज मिलेंगी, इन एज को भी छोड़ के आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही आपको एक्स मिलेगा आप उसको एक्स छोड़ के राइट की तरफ मूव करेंगे. तो एक्स को एक्स हमने छोड़ा और राइट की तरफ मूव किया. जब राइट की तरफ मूव करेंगे एक्स को छोड़ के, लेट्स रिमूव ऑल द डिमार्केशंस. जब आप एक्स को एक्स छोड़ के आगे की तरफ चल रहे हैं तो आप यहाँ पहुंचते हैं. इस ए को आप अगेन एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, फाइन? इस ए को आप अगेन एक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो क्यू जीरो से क्यू वन स्टेट में मूव करेंगे इसको कन्वर्ट करके. रास्ते में जितने एज मिलेंगे उनको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे. कैपिटल वाई भी आपके काम की चीज़ नहीं है, इसको भी आप छोड़ के आगे की तरफ जाएंगे. फिर आपको जैसे ही बी मिलेगा उस बी को आप वाई में कन्वर्ट करके क्यू टू स्टेट में चले जाएंगे.
रास्ते में जितने बीज मिलेंगे उनको छोड़ के, इनको वाई में कन्वर्ट कर लिया है, बी को छोड़ के आप आगे की तरफ जाएंगे, जेड भी आपके काम की चीज़ नहीं है, जेड को भी आप स्किप करते हुए आगे की तरफ जाइए, जेड को आपने छोड़ दिया, अब आप सी पे पहुंच गए, इस सी को आप जेड में कन्वर्ट कर दीजिए और लेफ्ट मूव कीजिए, तो क्यू टू स्टेट से क्यू थ्री स्टेट में जा रहे हैं, सी को जेड में कन्वर्ट करते हुए, तो रास्ते में जितने भी जेड मिलेंगे उनको हम छोड़ते हुए लेफ्ट में आएंगे, बी मिलेंगे उनको छोड़ते हुए हम लेफ्ट में आएंगे, वाई मिलेंगे उनको छोड़ते हुए हम लेफ्ट में आएंगे, ए मिलेंगे उनको छोड़ते हुए हम लेफ्ट में आएंगे, और जैसे ही एक्स मिलेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम आगे चले जाएंगे। तो मुझे एक्स मिला है और लेट सी, मुझे एक्स ये वाला मिला और इसको मैं छोड़ के आगे की तरफ गया, मुझे ए मिल गया, मैं उसको एक्स में कन्वर्ट करके राइट में जाता हूँ, रास्ते मुझे जितने वाई मिलेंगे मैं उनको छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ जाऊंगा, जैसे मुझे बी मिलेगा मैं इसको वाई में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं क्यू वन से क्यू टू स्टेट मूव कर रहा हूँ, रास्ते में जितने भी मुझे जेड मिलेंगे मैं उनको छोड़ते छोड़ते आगे जा रहा हूँ, और हम सी पे पहुंच रहे हैं, सी पे पहुंचते ही हम इसको जेड में कन्वर्ट कर देंगे और हम पीछे की तरफ आएंगे, जितने भी जेड मिलेंगे रास्ते में उनको छोड़ते छोड़ते हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में वाई भी मिलेंगे उनको छोड़ते छोड़ते हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, ओके okay. जैसे एक्स मुझे मिला, मतलब ये वाला एक्स मुझे मिलेगा, ये जो थर्ड वाला एक्स है, और इस थर्ड वाले एक्स से कोरस्पॉन्डिंग हम इसको एक्स छोड़ के राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो आप क्यू जीरो स्टेट में हैं, और आपको ऐसा दिख रहा है कि क्यू जीरो के बाद क्यू जीरो स्टेट में मुझे ए नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब सारे एज एक्स में कन्वर्ट हो गए, चूंकि सारे एज एक्स में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब है कि ए का काम पूरा हो चुका है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं 20 तो नहीं बच गए हैं कोई, तो इसके आगे आपको वाई मिलेगा, तो वाई को वाई छोड़ते हुए लेट से हम क्यू फोर स्टेट में आ रहे हैं, जितने भी वाई मुझे मिलेंगे मैं उनको छोड़ते हुए राइट की तरफ आऊंगा, फिर इसके बाद जितने भी वाई हैं उनको जो आपने कन्वर्ट उनको आपने स्किप कर लिया है, तो इसके बाद जेड आना चाहिए, तो जैसे ही जेड मुझे मिलेगा उसको मैं छोड़ कर राइट की तरफ जाऊंगा, लेट से मैं क्यू फाइव स्टेट में हूँ, और भी जेड मिलेंगे मैं इसको छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ जाऊंगा, मेरे पास कोई भी सी नहीं बचना चाहिए, और अगर सारे जेड के बाद राइट एंड मार्कर मतलब मुझे ये वाला सिंबल मिलता है, इसका मतलब है कि सारे जो सीज हैं वो जेड में कन्वर्ट हो गए, अगर मुझे ये सिंबल मिलता है तो मैं इसको यही छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, राइट की तरफ मूवमेंट अलाउड नहीं होगा इस केस में, ये ध्यान मुझे रखना है, क्योंकि तो ये टेप की बाउंड्री है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, तो इसको हम इसी सिंबल को छोड़ के लेट से हम क्यू एफ स्टेट में जाते हैं जो कि फाइनल स्टेट होगा, सो दिस इज एक्चुअली दी लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जिसमें हमने ये देखा कि जो राइट का जो मार्कर है और जो लेफ्ट का मार्कर है वो डिफाइंड है, इससे हम आगे या इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। एक सिंपल सी लिमिटेशन आपको मैं बता देता हूँ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की, जैसे मान लीजिए कि आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको याद होगा हम बहुत सारे ब्लैंक्स राइट की तरफ मानते थे और उन ब्लैंक्स को वन में कन्वर्ट करते थे, तो चूंकि यहाँ पे बाउंड्री डिसाइडेड है इसलिए इस तरह का मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ब्लैंक्स नहीं है, और चूंकि नंबर्स मुझे ही नहीं पता कि कौन से नंबर्स हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या आ सकती है, इसलिए हम बाउंड्री को बहुत दूर भी नहीं रख सकते, इसलिए हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लीनियर बाउंड्री ऑटोमेटा के द्वारा पॉसिबल नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।